बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उस्मान किचन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए बहुत ही इजी, यूनिक और लो बजट रेसिपी लेके आई हूँ पोटैटो डोनट्स की। और ये इतने एक माशाल्लाह क्रिस्पी हैं, साउंड सुनी आपने, और ये इतने क्रिस्पी और यम्मी हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। आप इसको इस दफ़ा रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी माशाल्लाह। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी। आप इसको केचप के साथ एंजॉय करें। तो आइए झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक बाउल में 3 बॉयल्ड पोटैटोस लूँगी, ठीक है, और मैं इनको मैश कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको मैश करना है। तो उसको मैश कर लिया, मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड कर दूँगी। अब नमक हस्बे जायका ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिली क्रश मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी और ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दूँगी। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक। इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब मैं इसको कबाब की शेप दूँगी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लो बजट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे झटपट से रेडी हो जाएंगे पोटैटो नगेट्स और बग़ैर किसी मेहनत के, ठीक है। ये इतने साइज़ का मैंने कबाब बनाया है। अब मैं इसको इधर रख के और ये राउंड शेप का कटर लेके इसके अंदर से ऐसे काट दूंगी। ये बहुत ही अमेजिंग डोनट की शेप बन गई है। बाकी सारे भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। इन सबको मैंने डोनट की शेप दे दी है और अब मैं इनकी कोटिंग करूँगी। मैं डोनट की कोटिंग करूँगी। ये मैंने 2 eggs लिए, इनके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने बीट कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। पहले मैं एग के अंदर इसको डिप करूँगी और अच्छा सा एग इसके ऊपर कोट कर लूँगी, ठीक है। अब ब्रेड क्रम्स के अंदर बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखें, इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। सबकी मैंने कोटिंग कर ली है। ऑयल को मीडियम हीट पर मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डोनट्स को जो हमने बनाए थे डालती जा रही हूँ। एक दफ़ा में 3 से 4 आ जाएंगे ईज़िली। अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी एक साइड से। मीडियम हीट पर हमने इनको फ्राई करना है क्रिस्पी और क्रंची होने तक। ये देखिए, अब मैं इनकी साइड को पलटा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया एक साइड से। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे झटपट से। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त दोनों साइड से कलर आ गया। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। माशाल्लाह अमेजिंग रेसिपी, आप इसको इस दफ़ा रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और पोटैटो डोनट्स रेडी हो गए हैं। आप ये देखें, साउंड चेक करें इनकी। आप इसको इस दफ़ा रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखें, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। अल्लाह हाफिज़।